क्यों है? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी हैं आबिद अंगीर साहब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, एक तो आप मुझे सीनियर सहाफी बोलती है तो मेरी हंसी निकल जाती है। कोई बात नहीं सर, आप वैसे भी काफी सीनियर है। सर मुझे बताएगा, कल मौलाना फजलुर रहमान ने हामिद मीर को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि मेरी इस्लामाबाद में तो एक झोंपड़ी तक नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो मरियम नवाज के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो पहले कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? जुबान ये अहम ये नहीं है कि फजलुर रहमान साहब की पाकिस्तान में जायदादें हैं या नहीं है। हम कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, तो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया हमजा अली अब्बासी को, तो उस पे हमें नबी साहब बड़े सीख पाते कि उन्होंने जो है वो स्टीफन सेकर को अपने सामने बिठाया हुआ था और उनसे जो है वो बड़े अजीबो गरीब सवाल हुए और उन्होंने कोई क्रास क्वेश्चन नहीं किया। हमजा अली अब्बासी जो है वो उस पे कोई उनसे सवाल कर सकते थे और उन्होंने ये तासीर देने की कोशिश की कि वो खुद बहुत बड़े स्टीफन सेकर हैं, वो स्टीफन सेकर जिन्होंने इसहाक डार का भी इंटरव्यू किया था और वो बड़ा पॉपुलर हुआ था पाकिस्तान में। तो उन्होंने उसको बड़े तंजी अंदाज में जो है वो लिया था कि इमरान खान जो है वो उन लोगों को इंटरव्यू देते हैं जो इनसे जो है वो क्रास क्वेश्चन नहीं करते। अब हम ये सोच रहे थे कि मौलाना को जो इंटरव्यू है यहाँ पर मीर साहब जो उनसे ले रहे हैं उस पर वो बड़ी जो है वो उनसे बात करेंगे, उनको पूछेंगे कि आप क्यों परेशान है, आपको हुकूमत से बेदखल कर दिया गया इसलिए आप परेशान है, या आपका एजेंडा क्या है, आप रियासती इदारों पर चढ़ तोड़ने की बात करते हैं। तो वो आप सारे के सारे इंटरव्यू देखें तो जैसे आप इसका मुझे लगता है सवाल भी आप इस पर करेंगी कि वो उस पर आगे जो है वो हंस रहे थे और कोई क्रास क्वेश्चन नहीं हो रहा था उनसे। बुनियादी तौर पर कल हमने एक वीडियो की थी कि जो पीडीएम है ये कुछ सियासतदानों और साफियों का जो है ना एक दस्तरखान था, इस दस्तरखान से कुछ लोग जो है वो उठा दिए गए जबरदस्ती, कुछ इत्तेफाक हैं कुछ कुछ के साथ वो बेदखल हो गए। अब जाहिर है वो दस्तरखान पे वो बैठते हैं, उनको जरूरत है उस दस्तरखान की, तो इसलिए एक जो है वो मोमेंटम बनाया जा रहा है। देखें कौन सा जो इदारा है इस वक्त जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां नहीं दी हुई है, बार बार हमेशा एक ही बात को पिंच करना, एक ही बात की तरफ इशारा करना, बार बार फौज को लेके आना बीच में और उनके देखिए वो भी तो लोग हैं ना, उनको भी तो इंसान है, जनरल बाजवा भी तो एक इंसान है ना, उनका भी तो एक पेशन एक सबर का एक लेवल होगा, जनरल फेज भी तो एक इंसान है, गो के एक बड़े इदारे की जो है वो उसको लीड कर रहे हैं और जबरदस्त इदारा है, लेकिन बेसिक इंसान हमें उन्हें देखना चाहिए। तो इनकी कोशिश यही है कि ये प्रोवोक करें इदारों को, ये शख्सियात को प्रोवोक करें। अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एक साल से ये बयान देते हैं, तारीख पे तारीख देते हैं, वो बातें आगे बढ़ रही हैं और जितना जितना वक्त गुजर रहा है इतना ही इनकी फ्रस्ट्रेशन में जो है वो इजाफा हो रहा है। तो हामिद मीर साहब भी उसी कबीले का हिस्सा है। सर उन्होंने ये भी बयान दिया कि ना नैब के सामने पेश होगा ना किसी और इदारे के सामने पेश होगा, अगर फौज ने कुर्बानियां दी हैं तो हमारे उलमा ने भी कुर्बानियां दी हैं, हम भी शहीद हुए हैं, हमारे उलमा भी शहीद हुए हैं, तो क्या कहेंगे कि वो खुद को फौज से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है और हामिद मीर साहब बजाय क्रॉस सेक्शन करने के सिर्फ हंसते रहे? इसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया कि वो क्यों हंसते रहे, वो खुद बहुत बड़े स्टीफन सेकर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है देखें एक ये किसके लिए ऐलान कर रहे हैं, हुकूमत गिराने का ऐलान किसकी किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि ये पीडीएम कर रही है ना, डेमोक्रेटिक अलायंस इसको नाम दिया जा रहा है ना, डेमोक्रेटिक अलायंस का मतलब होता है कि आप किसी कौम की जमहूरी हकूक की जंग लड़ते हैं, आप उस कौम के आईनी हकूक की जंग लड़ते हैं, आप उस कौम के इदारों की बहाली की जंग लड़ते हैं। और मौलाना क्या कहते हैं कि हम तो भाई इदारा हम तो मानते ही हैं। अब नैब का चेयरमैन किसने बनाया, नैब खुद किसने बनाया, उस वक्त मौलाना खुद कहाँ खड़े थे जब नैब बन रहा था, ये बातें इनसे कोई साफी नहीं पूछेगा। हामिद मीर इनसे ये नहीं पूछेगा कि आप किस हैसियत में ये आप ये बात कर रहे हैं कि आप इदारे के सामने पेश नहीं होंगे, आपको कौन सी इतनी बड़ी जो है वो किसी ने यह हक दे दिया कि आप पूरे इदारे की बिसात पे बैठ लें और आप आम लोगों को क्या तासुर दे रहे हैं। खाना जंगी और कशीदगी क्या होती है, देखें यही होती है इस तरह की, जब आप इदारों से आपका एतबार उठ जाता है, जब आप इदारों को तस्लीम नहीं करते और जब इस तरह के बड़े सियासी लोग इदारों की नफी करेंगे तो आम इंसान या क्रिमिनल माइंड जो होगा उसकी जहन साजी किस तरह होगी, वो इन चीजों को किस तरह से लेगा और फिर उनकी अपनी जमात के लोग। तो मैं तो कहता हूँ ये खुद एक बहुत बड़ी बगावत है जिसने भी इससे पहले की है कि इदारों का नाम लेना और ये कहना कि भाई हम आपके सामने पेश नहीं होंगे, ये इसका उसका और क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे आ गई है, अब जो है वो मरने मारने पे बात आ गई है। तो जहां तक उनकी कुर्बानियों का ताल्लुक है, देखें मौलाना साहब की कौन सी जमहूरी जदोजहद है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हकूक के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, कश्मीर के लिए, कश्मीर कमेटी पे मौलाना रहे, कश्मीर कितनी दफा मौलाना गए, अभी नीलम गए पहली दफा, वो घूम फिर के आए, उन्होंने कोई कुर्बानियां नहीं दी,
कश्मीर का मुकदमा कितना लड़ा मौलाना ने, कितने उस वक्त जब इतनी शदीद फायरिंग होती थी, जुबारी हम छोटे छोटे थे हमें याद है, हमारे सामने कितने बच्चे शहीद होते थे, लोगों के घर जल जाते थे, आज भी वही है। और ये कहते हैं जी कि हम हमने कुर्बानियां दी हैं। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक बात जो कह दी कि ये एक मुश्तरक दस्तरखान था, उससे जो है वो ये बेदखल हो गए, ये सारा स्यापा और सारा रोना उसके लिए। बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना कि आबिद अंजीर ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जिसने आज तक कोई कुर्बानी नहीं दी वो फौज की कुर्बानियों का सिला भी ऐसे मांग रहे हैं जैसे उन्होंने खुद कुर्बानियां दी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।